पास रहेगा। गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी को शिक्षा विभाग मिला है, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री भी बने रहेंगे। पहले की तरह ऊर्जा विभाग जेडीयू के पास रहेगा। ऊर्जा के साथ साथ ग्रामीण कार्य अल्पसंख्यक विभाग भी विजेंद्र यादव को मिला है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश जी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सुकेश जी, आखिर बंटवारा हो चुका है और इस विभाग के बंटवारे के मायने समझे, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बार गृह विभाग को लेकर आप देख रहे थे कि चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहा। इस बात को लेकर कि जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ गए हैं, क्या बीजेपी ये अलाउ करेगी इस बार कि पहले जैसी स्थिति बनी रहे। पहले स्थिति ये थी कि ये गृह मंत्रालय हमेशा नीतीश कुमार के पास होता था, जो बड़े विभाग थे वो नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, चाहे उनकी संख्या कम हो गई थी, वो 43 पे भी आ गए थे, तब भी मन माफिक विभाग जो है वो नीतीश कुमार ने अपने पास रखा था। और गृह विभाग जो है वो एक सिंबॉलिक मिनिस्ट्री है, एक सिंबॉलिक विभाग है, एक सांकेतिक उसका मतलब है। अगर नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छिन गया होता, अगर उन्होंने किसी को दे दिया होता, तो मतलब ये होता कि बीजेपी आम ट्विस्टिंग कर रही है। बीजेपी इस तरीके से इस बार सत्ता में आई है कि नीतीश कुमार की नहीं चलने वाली। तो इन स्पेकुलेशंस को बल मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से, जब तक ये विभाग का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का और बिहार सरकार में कि जिस दिन मंत्रालय का गठन होता है उसी दिन विभागों का बंटवारा हो जाता है। कुछ मंत्रियों ने शपथ ले लिया था, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का विभाग बंटवारा नहीं हुआ था, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन अब जबकि विभागों का बंटवारा हो गया है, तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि एक तरीके से स्टेटस को रहा है। जैसा 2020 में जीतने के बाद जो विभाग बीजेपी के पास था, बीजेपी ने बहुत ज्यादा झुकाने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई नीतीश कुमार को, प्रेम विभाग तो उनके पास रहा ही। लेकिन आप एक इम्पोर्टेंट चीज अगर देखें इसमें, तो शिक्षा विभाग जो है जिसके तहत लाखों नौकरियां दी गई है, और वो शिक्षा विभाग अभी आरजेडी को दे दिया गया था, वो विभाग खुद नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के लिए रखा है, मतलब जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी के लिए रखा है। तो वो शायद ये क्रेडिट लेना चाहते हैं आने वाले दिनों में भी कि शिक्षा विभाग चाहे आरजेडी के पास था और आज जेडीयू के पास है, शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार ने जिस तरीके की भर्तियां की, नियुक्ति की, वो दरअसल नीतीश कुमार ने की, वो तेजस्वी यादव ने नहीं की थी। और दूसरा, एक अभी तक 15 साल करीब वो सत्ता में रहे बीजेपी के साथ, इन 15 सालों में कभी शिक्षा विभाग नीतीश कुमार ने बीजेपी को नहीं दिया, वो शिक्षा विभाग फिर से नहीं दिया है बीजेपी को। तो आप एक सिंबॉलिक ये समझ सकते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बहुत हद तक अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने का एक जरिया भी हो जाता है कई बार, नीतीश कुमार ने वो भी अलाउ नहीं किया। तो आप देखेंगे कि विन विन सिचुएशन में नीतीश कुमार है, इन अटकलों के बीच कि उनसे गृह विभाग छिन जाएगा, इन अटकलों के बीच कि सरकार बहुत स्थायी नहीं है, हम माझी कुछ डिमांड कर रहे हैं, चिराग पासवान खुश नहीं है, लेकिन इसके बीच भी जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, तो वैसे में लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा प्रेशर असर्ट नहीं कर रही है नीतीश कुमार पे। बीजेपी अभी किसी तरीके का कोई पंगा नहीं चाहती, वो एक स्टेबल अलायंस चाहती है और एक स्टेबल पार्टनर की तरह उसने नीतीश कुमार के साथ बिहेव किया है अभी तक के बंटवारे से, और जो अभी तक जिस तरीके से सरकार चल रही है उससे ऐसा लगता है। बिल्कुल सुकेश जी, अहम बात यही, लेकिन ये एक समझने वाली बात होगी, जैसे कि आपने जिक्र किया शिक्षा विभाग का, आपको याद होगा क्योंकि ये आरजेडी के पास था और कई बार विवाद की भी तस्वीरें सामने आई, मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री के बीच कई बार विवाद की तस्वीरें सामने आई। तो क्या एक मैसेज जनता के बीच भी नीतीश कुमार ये कन्वे करना चाह रहे हैं और शिक्षा विभाग अपने जिम्मे रखा है, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं रहती है नीतीश कुमार की जो वो कोशिश करते हैं जनता को बताने की, लगातार शिक्षा के लिए सरकार तत्पर है। देखिए, पिछले कुछ समय से और आरजेडी ने खास तौर पे, तेजस्वी यादव ने खास तौर पे रोजगार को मुद्दा बनाया कि नीतीश कुमार एक थके हुए सीएम थे, थके हुए सीएम से को उन्होंने मजबूर किया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में लाखों नौकरियां दे। तो ये क्रेडिट जो है वो आरजेडी को जाता है, क्योंकि ये विभाग भी आरजेडी के पास था। अगर ऐसा नहीं था तो इतने सालों में, इतने साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां क्यों नहीं दी। इसको देखते हुए एक
टसल था, एक टिफ था आरजेडी और जेडीयू के बीच। मुझे लगता है कि इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने ये विभाग अपने पास रखा है। पहला मैंने आपको बताया कि इतने सालों के अपने गठबंधन के इतिहास में बीजेपी के साथ कभी उन्होंने शिक्षा विभाग बीजेपी को नहीं दिया, वो अपने पास रखा। ये अभी हाल के दिनों में जब 17 में वो चले गए थे दूसरी तरफ, बात कीजिएगा 22 में चले गए थे दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ, तब उन्होंने ये विभाग आरजेडी को दे दिया था और अब उनको लगा कि ये सारा क्रेडिट जो है वो तेजस्वी को जा रहा है। तो ये क्रेडिट लेने की बात थी, वो क्रेडिट लेना चाहते थे, वो ये बताना चाहते हैं कि नौकरियां नीतीश कुमार की वजह से मिली और उसमें तेजस्वी का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। तो इसको जो इस क्रेडिट को जो तेजस्वी लेना चाहते हैं, उस धार को वो कुंद करना चाहते हैं और इसीलिए बहुत टैक्टफुली उन्होंने वो विभाग, शिक्षा विभाग जो आरजेडी को दिया था वो बीजेपी को नहीं दिया है, वो अपने पास रखा है। बाकी मंत्रालय मोटे तौर पे, चाहे जल संसाधन हो, बड़ा विभाग है, वो पहले से भी जेडीयू के पास रहा है, आरजेडी के साथ रहे हो या बीजेपी के साथ रहे हो, वो उन्हीं के पास है। चाहे वो भवन निर्माण, वो उन्हीं के पास है। ऊर्जा विभाग, वो जेडीयू के कोटे में ही है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पे वही थ्योरी, वही उसी तरह की रणनीति पे काम हुआ है कि पहले 2020 में जैसे थे वैसे ही आगे सरकार चलेगी, क्योंकि बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई टसल लेना चाहती है 24 के पहले। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, विभागों का बंटवारा हो चुका है, गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गौर करने वाली शिक्षा विभाग, जी हाँ, वो भी जेडीयू के पास ही रहेगा। वहीं हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ऋषिकेश, विभागों का बंटवारा हो चुका है और इसके देखिए मायने साफ तौर पर है, अगर विभागों को बारीकी से समझे, कि जेडीयू जो कि लगातार ऐसा अटकली लगाई जा रही थी कि इस बार हो सकता है पावर कम, लेकिन एक मैसेज नीतीश कुमार ने देने की कोशिश की है कि जेडीयू स्थिति में, क्या लगता है आने वाले वक्त के लिए इसका कितना इंपैक्ट होगा? देखिए बिल्कुल सुकेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कहां तो कोशिश थी कि 2020 के फॉर्मूले से इतर इस बार नीतीश कुमार बेहद कमजोर होंगे और इस बार जिस तरीके के राजनीतिक सरगोशियां चल रही थी कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर, लेकिन जो राज्यपाल सचिवालय से जो विभागों का बंटवारा हुआ है, 19 जो जेडीयू के कोटे में आई है और 23 जो विभाग है वो बीजेपी के कोटे में आई है, और जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सभी जेडीयू के पास हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं। देर रात में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं और मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे बीजेपी कोटे से, इसको लेकर के तय किया जाएगा और उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिससे कि और भी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया जा सके। जो News24 के पास राज्यपाल सचिवालय से जो लोकेशन हुआ है वो मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं कि जो जेडीयू के कोटे में रहा है नीतीश कुमार के पास 5 विभाग है, जिसमें सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी, निर्वाचन है। इसके अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास 9 विभाग हैं, मतलब कि 18 ये, और प्रेम कुमार जो दूसरे मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, उनके पास 5 विभाग है, तो 23 बीजेपी के कोटे में है और 19 जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में है। शिक्षा को लेकर सुकेश जी बता ही रहे थे, स्वास्थ्य एक बड़ा चंक रहा है, स्वास्थ्य में जिस तरीके से वैकेंसी को लेकर, रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव हमेशा ढिंढोरा पीट रहे थे, शिक्षा के बाद जो दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य का, तो वो बीजेपी के कोटे में है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी भी उसे अपने आने वाले समय में इस पर दावेदारी मजबूत करेगी। लेकिन 2020 में जो जो विभाग थे वही विभाग कमोबेश इस बार भी रखे गए हैं और विभागों के बाद अब सबसे ज़्यादा नजरें टिकी है कि लोकसभा में सीटों का जो गणित होगा वो क्या होगा, क्या 17-17 का जो फार्मूला था 2019 का, क्या इस बार भी वो कायम रह पाएगा।